You are welcome to Satya and Srishti classes. Today we are going to discuss some multiple choice questions of chapter 4, materials, metals and non-metals. Your first question is, metals are generally solid. Which of the following metals is in the liquid state at room temperature? Mercury, silver, aluminium, sodium. यानी कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड, बट इनमें से दिया गया कौन सा एक मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मर्कुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेटल्स आर जनरली हार्ड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ? ऑप्शन गिवन आर आयरन, सोडियम, गोल्ड एंड मैग्नीशियम. यानी कि मेटल्स आर जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, बट ऐसा कौन सा मेटल है जो कि सॉफ्ट है एंड नाइफ के द्वारा भी उसको कट किया जा सकता है? दैट इज योर सोडियम, व्हिच इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ. योर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सोडियम. और ये भी याद रखना, अगर सोडियम के बदले में इधर पोटेशियम होता तो वो भी वेरी सॉफ्ट है. यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम दो मेटल है जो कि वेरी सॉफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन. जनरली नॉन मेटल्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस, बट देयर इज ओनली वन नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज योर ब्रोमीन. ऑप्शन डी, नॉन मेटल दैट इज लिक्विड इज ब्रोमीन एंड मेटल दैट इज लिक्विड इज मर्कुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स हैज शाइनिंग लस्टरस सरफेसेस? ग्राफाइट एंड फॉस्फोरस, ग्राफाइट एंड आयोडीन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन. जनरली मेटल्स हैज शाइनिंग सरफेसेस, बट यहाँ क्या कुछ पूछा गया है नॉन मेटल्स? योर करेक्ट आंसर इज ग्राफाइट एंड आयोडीन. ऑप्शन बी, ग्राफाइट व्हिच इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, यस, एंड आयोडीन, दिस टू हैज शाइनिंग लस्टरस सरफेस. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गैस कार्बन, ग्राफाइट, डायमंड, बोथ ए एंड बी. इट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ गैस कार्बन एंड ग्राफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी हमर्ड इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनोरस नेचर. जो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम एक मेटल को हमर करके क्या करते हैं, एकदम थीन सीट्स बनाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं जो एल्युमिनियम फॉयल, जो एल्युमिनियम एक मेटल है उसका जो फॉयल बनाते हैं हम, क्या करते हैं जो फूड रैपिंग करते हैं, वो कितना थीन होता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर मैलिएबिलिटी. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डेंसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ. इट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी ऑप्शन सी. नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन ऑफ दिस. जब मेटल रिएक्ट्स करता है क्या ऑक्सीजन के साथ, सपोज इधर मेटल, एनी मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होता है इसमें आता है मेटल ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होता है. तो ऑक्साइड क्या होगा, यार एसिडिक या बेसिक? ऑलवेज मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. उसके बेसिक है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज दैट ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, दैट इज इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू. यस, सो योर करेक्ट आंसर इज
basic oxides, that is option B. And nonmetals when reacts with oxygen, they form acidic oxides and that convert blue litmus into red. Next, question number 9. When metals react with acids, a colorless gas is obtained which bonds with a pop sound is hydrogen, oxygen, chlorine, sulfur dioxide. It is here hydrogen gas which is released and is bonds with a pop sound. Option A. Next, the process of protecting iron from rusting by coating with zinc is called rusting, roasting, smelting, galvanizing. जो कि rusting हो जाता है उसको protect करने के लिए हम क्या करते हैं, zinc से coating करते हैं. That process is called here galvanizing. Option D. Which metal is present in hemoglobin? Magnesium, iron, carbon, zinc. That is here iron is present in hemoglobin. Yes. Next. Which metal is found in green leaves of plants? Iron, chromium, magnesium, cobalt. That is here magnesium, which is present in chlorophyll. Yes. So your option C is correct. Next, question number 13. A nonmetal that catches fire at room temperature is sodium, sulfur, phosphorus, fluorine. Nonmetal that catches fire at room temperature, that is your phosphorus. Option C. Next, the white phosphorus is stored in air, in water, in to kerosene. None of this. A room temperature में भी fire catch करता है कौन, phosphorus. So उसको कैसे store किया जाता है, that is stored in kerosene. Option C is your right answer. Next, alloys of which of the following metal are used for making aeroplanes and automobile engine? Copper, aluminium, iron, none of this. That is your aluminium. Alloys of aluminium are used for making aeroplanes and automobile engine. Option B. Next, non-metals are used in aeroplanes, making machinery, water boilers, fertilizers. Non-metals are used in fertilizers. Option D. Next, a solution of oxide of an element turns blue litmus to red. This oxide can be oxide of carbon, oxide of sodium, oxide of magnesium, or oxide of zinc. That element turns blue litmus to red, यानी कि blue litmus to red convert हो रहा है, यानी कि that is acidic in nature. And we know that always non-metal oxides form acidic oxide. Non-metals when reacts with oxygen that form acidic oxides. So here magnesium, sodium and zinc, these are metals. Only oxides of carbon, that is your non-metal, and it forms acidic oxide. So option A is correct. Next, which of the following metal catch fire on reaction with water? Sodium, potassium, magnesium, both A and B. जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो फायर कैच होता है, किसमें, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और बोथ ए एंड बी. दैट इज बोथ सोडियम एंड पोटासियम कैच फायर ऑन रिएक्शन विथ वाटर. नेक्स्ट, मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन आर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. ऑक्सीजन एंड एसिड, ओनली मॉइस्चर, ओनली ऑक्सीजन. दैट इज फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन, वो क्या है. Option number A, that is oxygen and moisture, both are responsible for corrosion. Yes. Okay. Thank you.